क्या बोलूं, आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब भारत में जज ये बोले कि मोर के आंसू से बच्चा पैदा होता है, बीच बीच में एक आध ऐसा ऑर्डर जरूर आता है वेग, जिससे लगे कि जुडिशरी पे आपका विश्वास बना रहे, लेकिन लार्जली आप देखेंगे, चाहे हिमांशु जी का मामला हो, चाहे सोनी सोरी का मामला हो, चाहे SC ST एक्ट हो, चाहे रोस्टर हो, तमाम ऐसे मसले पर जो कोर्ट का ऑर्डर है वो किस तरह का है हम सब परिचित हैं। बिहार में पुलिस वालों से पूछा गया कि शराब गई कहाँ, तो बोले चूहा पी गया। ये इस पूरे मामले में जो पूरा जुडिशियल सिस्टम है उसी तरीके से काम कर रहा है। हिमांशु जी सोनी सोड़ी दोनों मामला सामने है। अरे महामहिम जज साहब, ये तो बताओ कि हत्या किसने की? ये आपकी सारी एजेंसी है, CBI है, NIA है, पुलिस है, महकमा है, हत्या किसने की ये बताओ। ये तो आप कह सकते हैं ना, और सीधा आपने जुर्माना लगा दिया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सीधा है कि न्याय मांगने के लिए आप अदालत में न आओ। और यह मामला कहां से चल रहा हमें पता है। जुडिशरी कैसे काम कर रहा है, कई बार तो कॉमन सेंस से भी आदमी उसका है ना, मैं लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन बैरिस्टर में PhD किया है, तो ये कैसे काम कर रहा है। लगातार एक बड़े जज साहब से मैं एक कोर्ट में गया था, एक मुकदमा लड़ रहे, मुझे पता है कैसे काम करता है। दिस इज एकेडमिक मैटर, वी कैन नॉट इंटरफेयर। तो क्या यूनिवर्सिटी में बलात्कार हो जाए, एक्सप्लॉइटेशन हो जाए, कुछ हो जाए, तो आप इंटरफेयर नहीं करेंगे? आपको जैसे कन्वीनियंस लगता है वैसे ऑर्डर देंगे? और आप एक डर बना के रखे, देखिए डर के आगे जीत है, डरने का नहीं। कि आप ये समझते हैं देश के लोगों में जो उबाल है, जो सरकार खुद नहीं करती है वो कोर्ट से करवाती है, ये सामने है। रंजन गोगोई एक ऑर्डर पक्ष में दिया, सीधा राज्यसभा भेज दिया। मतलब राज्यसभा लोकसभा इतनी बड़ी चीज है क्या कि जिसके लिए आप जमीर बेच देते हैं, अपना इंसानियत बेच देते हैं? साथियों, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, ये सावन का महीना चल रहा है, असली कांवड़िया अडानी है, असली कांवड़िया अडानी है। एक सामने वाले कांवड़ में वो सत्ता बैठाए हुए है, पीछे वाले में वो विपक्ष बैठाए हुए है। आप जाकर देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, अडानी को काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, चाहे केंद्र हो चाहे बंगाल हो, कहीं भी जाकर देखिए, हर जगह अडानी। साथियों, एक दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन का समय आ रहा है, और मैं आपको कह रहा हूं, कहते हैं ना कि तोते की जान कहां थी, तो राक्षस की जान कहां थी, तोते। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है जो अलग अलग आपको दिख रहा है, इस सब की जान कहां है? असली कांवड़िया है अडानी, उसी में है। राष्ट्रीयकरण करो अडानी का, ये एजेंडा बना, इसी में बोली। लोकसभा चुनाव आते आते 2024 में ये एजेंडा हम लोग बनाएंगे, राष्ट्रीयकरण करो अडानी का। और जिसने भी उसको मदद किया है, चाहे जो भी सरकारें हैं, जिसने मदद किया है उस सबको गिरफ्तार करके जेल भेजो, ये रहेगा एजेंडा, रहेगा ये। आपको देख के लग रहा है ये सब नक्सल लोग है? विकास, आप अपने मॉडल का विकास क्यों थोपना चाहते हैं हर जगह? वो बच्चा कहां गया? मैं चलते चलते एक बात घोषणा कर देता हूं, इधर आओ। मैंने इससे बात की है, पढ़ता है 6ठी या 7वीं में, बेटा पढ़ने में मन लगता है? हम घोषणा कर रहे हैं कि जिस दिन ये पढ़ लेगा, इसको ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़ाने का, जहां भी एडमिशन होगा उसका पूरा खर्चा अम्बेडकर नामा उठाएगा। और जाकर वहां पे तुम्हें पुलिस पे ही PhD करना, CRPF पे ही PhD करना, अपने गांव में जो 17 लोग मारे गए हैं
और तुम्हारा हाथ जो काटा गया है उन्हीं पे पीएचडी करना, बताना पूरे दुनिया को कि डेवलपमेंट के नाम में छत्तीसगढ़ में और आदिवासी इलाकों में क्या चल रहा है, ये कौन कर दिया हाथ इसका, चूहा था चूहा कुतर गया, दिखा लो चूहा कुतर गया क्या, ये इंसानियत के नाम पर धब्बा है। मैं जानता हूं जितने यहां बड़े बड़े नेता ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सब अडानी के पेरोल पे, अडानी के पेरोल पर है, इसीलिए मैंने कहा कि जिस दिन उसका नाम पकड़ोगे सब पकड़ाएगा। ये सवाल असली है जल जंगल जमीन, वही है मामला। बोले थे ना मोदी साहब इधर से आलू डालो उधर से सोना निकलेगा, वो छत्तीसगढ़ के बारे में ही बोले थे कि सारे वहां जल जंगल जमीन अडानी को बेचेंगे, और कांग्रेस की सरकार है उसको भी कह रहा हूं सब बेचेंगे जल जंगल जमीन, तो इधर से डालेंगे पहाड़ उधर से निकलेगा सोना, उधर से डालेंगे पेड़ उधर से निकलेगा सोना, ये खेला है और खेला न चलवे बहुत दिन चलेगा नहीं। ये आक्रोश सारे निजीकरण सब कुछ बेच रहे हैं, सब कुछ बेच रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हिमांशु कुमार पर जुर्माना लगा देंगे चाहे सोनी सोडी का केस खत्म कर देंगे या गिरफ्तार कर लेंगे तो लोग डर जाएगा। हम लोग इतिहास के छात्र गिरफ्तारी उतराते नहीं डरते किस बात का, वो पॉकेट मारे में थोड़ी गिरफ्तारी हो रहा, पकड़ो जिसको पकड़ना है। सीधा खुल के बोल रहे हैं कि पूरा एक डिजाइन है आरएसएस बीजेपी अडानी पूरा डिजाइन है, खुल के बोल रहा हूं हाथ लगा के देखो साथियों। ये लड़ाई बड़ी है, ये सिलगेर में जो चल रहा है और गोमपाड़ में जो हत्याकांड हुआ वो घटना नहीं संकेत है इस बात की कि आदिवासी अस्मिता को बेचा जाएगा लूटा जाएगा मारा जाएगा सब कुछ किया जाएगा। और ये सब देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आया है उसके साथ एक पैकेज में आया है, इसलिए इनके इंसाफ के लिए रिव्यू पिटीशन डाला है हिमांशु जी, इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा और जज से जज अदालत से इंसाफ नहीं मिलेगा यकीन मानिए कि 2024 का लोकसभा का मुद्दा बनाएगा। जितेंद्र यहीं पे है, जितेंद्र मीणा अखिल भारतीय पहले सबसे पहले पूरे ट्राइबल्स लोग को इकट्ठा कीजिए नॉर्थ ईस्ट से पूरा हम लोग तो है, 1 मार्च दिल्ली घेरो, अपने अपने संस्कृति कल्चर के हिसाब से भारत के पूरे आदिवासी को बुलाओ, देखते हैं गोदी मीडिया दिखाए नहीं दिखाई, हमारा यूट्यूबर भाई है 1 करोड़ लोगों के बीच पहुंचा देगा। दिल्ली घेरो ये नारा दो और मैं आग्रह करूंगा हिमांशु जी से जितेंद्र से लक्ष्मण सुमित सब है यहाँ पे सोनी सोरी है, एक अखिल भारतीय आदिवासी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, आइए सड़क पे, ये अपने वजूद की लड़ाई है, नहीं तो ये रिपीट गोमपाड़ और सिलगेर ये लगातार रिपीट होता रहेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा, इसलिए इसको यकीन मानिए और इसको अखिल भारतीय स्तर पर बहुत सारे लोग अभी 7 दिन 10 दिन में बहुत सारे लोग जान पाए हैं इस पूरे घटनाक्रम को क्या हो रहा है। दिल्ली सेंटर बनाइए, लड़ाई गोमपाड़ की नहीं है, ये लड़ाई दिल्ली की है, तख्त ताज बदल लो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अडानी को पकड़ना है उसको नेशनलाइज करो सारा पैसा लेकर भाग जाओ। तो जो नेक्सस है पूंजी का पैसे का, अब हम पूंजी बोल देंगे तो यहां कोई होगा बोल देगा कि नक्सल है, पूंजी और राज सत्ता का जो पूरा ये गठजोड़ है लीला है उस लीला को पर्दाफाश करना है हमें। बहुत सारे लीडर से एक दो नहीं चाहिए, सैकड़ों लीडर चाहिए और जो सीधा खुल के बोले कि कांवरिया को गिरफ्तार करना है इसको जेल भेजना है। शुक्रिया, थैंक यू।